ऑन करेंगे स्विच को, तो ये है जो लाइट अब इस रोड पर आपको दिखेगी। आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रुककर Budmo.com के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल Budmo.com एक ऑनलाइन पार्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करते हैं आपको पूरी की पूरी प्रिविलेज अपनी हर कार के OEM पार्ट्स घर तक मंगवाने की। फिर चाहे आपके पास एक सेंट्रो हो चाहे जगुआर हो, आप अपनी कार के मेंटेनेंस से रिलेटेड पार्ट, आफ्टर मार्केट पार्ट, OEM पार्ट, अपनी कार की केयर से रिलेटेड पार्ट सभी अपने घर तक बहुत इजीली मंगवा सकते हो। जब भी बात आती है दोस्तों वारंटी की, Budmo प्रोवाइड करते हैं दोस्तों आपको हर खरीदे हुए सामान का GST रिटर्न बिल, यानी आप अपने देश की तरक्की में हाथ तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ आपके पास एक प्रॉपर परचेज प्रूफ है जिसके बेसिस पर आप फ्यूचर में वारंटी भी क्लेम कर सकते हो किसी भी खरीदे हुए पार्ट की। सबसे अच्छी बात यह भी है अगर आपको खरीदा हुआ पार्ट पसंद नहीं आ रहा तो 10 दिन के अंदर आप अश्योर्ड रिटर्न के साथ उस पार्ट को वापस भेज सकते हो और पा सकते हो अपना पूरा का पूरा पैसा अपने अकाउंट में वापस। Budmo सेफ है दोस्तों, पिछले 2.5 साल से मैं Budmo से शॉप कर रहा हूँ, सो फार आज तक मुझे कोई इशू नहीं है। पीछे खड़ी हुई मेरी इस एक बिल्लो के अंदर मैंने हेडलाइट, सस्पेंशन, इसके शीशे और बहुत सारे पार्ट्स छोटे मोटे मंगवा कर Budmo से लगवाए हैं। एयर फिल्टर बॉक्स भी मैंने Budmo से मंगवा कर लगवाया था, मैट भी लगवाया था इसी कार के अंदर, और बहुत सारे केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी, जैसे आपको अपनी कार की वैक्सिंग, पॉलिशिंग, कोई कंपाउंडिंग या कोई माइक्रोफाइबर टॉवल भी चाहिए हो, कोई म्यूजिक सिस्टम चाहिए, सब कुछ आप बहुत इजीली Budmo से परचेस कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आप Budmo से परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपनी कार का मॉडल, मेक और साथ ही में टाइप सिलेक्ट करके अपनी कार की OEM कैटलॉग आप एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो मेंटेनेंस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड पार्ट भी बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको किसी पार्ट के बारे में मोटा मोटा आइडिया है तो आप वॉइस सर्च से भी उस पार्ट को निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई हाई एंड या लग्जरी कार है तो उसका एक VIN नंबर होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बेसिस पर आप उस कार की कैटलॉग्स या उसके सारे पार्ट्स को चेक कर सकते हो। यूजुअली हमारी कार्स का कोई सामान खराब रहता तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मार्केट में जाए, धक्के खाए और पेट्रोल फूके, टाइम फूके और उस पार्ट को सर्च करते रहे। वही काम Budmo आपको सिंपलिसिटी के साथ आपके घर तक डिलीवर करा के देता है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, Budmo आपको पूरी प्रिविलेज देता है उस पार्ट को घर तक भिजवाने की। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही चेकआउट करें Budmo.com। चले करते इस वीडियो को कंटिन्यू। अब दोस्तों दरअसल बात यह है कि इस कार के अंदर वो जो LEDs मैंने चेंज करानी है, अब भाई सामने की तरफ देख सकते हो फिलहाल तो LEDs लग रही है नीचे भी और ऊपर भी, और नीचे की तरफ क्योंकि व्हाइट हो गई है, पहले हेलोजन थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना यहाँ पर जो मेरी बिल्लो के अंदर एक्चुअली में 4300 केल्विन के प्रोजेक्टर IPH लगे हुए थे, मुझे वही डालने चाहिए। क्योंकि मेरी साइड से तो रिकमेंडेड है भाई, अगर आपका बजट अच्छा है आप डाल सकते हो, तो वो मतलब एक नॉमिनल प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आता है, बार बार आपको पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सरदर्दी नहीं है किसी तरीके की। इसको लगानी है मैंने, प्रोजेक्टर तो लगाने और प्रोजेक्टर लगाने से पहले मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, गाड़ी भी धोनी है, तो भाई एक तो गाड़ी धुलवाता हूँ मैं फटाफट अपनी। अब आप रात देख कर बोल रहे हो यार इतनी रात के अंधेरे में क्या क्या काम कराने निकले तुम, लेकिन हाँ वैगनार जब भी हम लेके निकलते हैं ना काशी साइड बड़ा काम कराता है वैगनार में। एक नई गाड़ी भी हमने ली है, जरा आपको दिखा देते हैं, चलते हैं, कौन सी गाड़ी ली है, क्या है, कैसी है, सब कुछ दिखाते हैं आपको। एक चीज और दोस्तों इस चीज को लेकर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जब मैंने बिल्लो के अंदर फॉग लैंप प्रोजेक्टरों को अपग्रेड करा था, उसमें मैंने कहा था कि मेरी बिल्लो के प्रोजेक्टर चोरी हो गए थे। भाई देखो मिल नहीं रहे थे, जनरली मुझे लगा कहीं चोरी चकारी हो गए, लेकिन एक्चुअली में ये था वो कार के अंदर ही एक कोने में घुसड़े में मिले मुझे CNG VNG के ऊपर नीचे कहीं, बड़ी मुश्किल से जब मैंने ढूंढा पूरी कार साफ ऑफ करी। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को ढूंढते हो इमीडिएटली आपको नहीं मिलती, एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि हाँ यार मेरे को जल्दी से जल्दी इस काम को कराना है, तो आप सोच लेते हो कि ठीक है अगर वो मिलने होंगे मिल जाएंगे मैं दूसरे ऑर्डर कर लेता हूँ, और मैं वराने वाले अगर मिलेंगे तो उनको मैं वैगनार में डाल दूंगा, जैसा कि सेम आज मैं करने जा रहा हूँ। बिल्लो के प्रोजेक्टर, बिल्लो की HID, बिल्लो का बैलेंस जो है मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ फॉग लैंप वाले, और बिल्लो के अंदर मैं नए लगाए बैठा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट डिसीजन। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने भी फैसले ले सकते हो, क्योंकि हाँ मैं तो ये चाहता था आज नहीं तो कल अपनी वैगनार के अंदर भी प्रोजेक्टर की जो लाइटिंग है वो अच्छी कर दूं, तो ऑब्वियसली मैं वही करने निकला हूँ। पहले फटाफट आपको दिखाता हूँ हमने नई गाड़ी कौन सी लिया, जाओ भाई वो करीब पार्क मैंने हमारी वैगनार, टच करा दे भाई 500 करा दे, मुझे थोड़ा सा लगा जैसे ब्रेक का था। तो ये भाई हमारी फैमिली का नया मेंबर, अब आप बताओ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखकर बताना ये गाड़ी कौन सी है। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्तों यारों की या फिर मित्रों की कहीं ना कहीं समहाउ फेवरेट रही हो आज से पीछे कुछ गए हुए सालों में, लेकिन आप ये जरूर बताना ये गाड़ी कौन सी है। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, हम कहीं ना कहीं अपने इंस्टाग्राम पे आपको नजर जरूर आएंगे इस गाड़ी को चलाते हुए। और देख रहे हो भाई पंजा दबाते ही सही भाग रही है, ऐसी बात तो नहीं है।
और ये हमने नहीं, हमारे भाई ने लिए। हमारा भाई का सबका शौक था जवानी कार को चलाने का, डील बहुत अच्छी मिली तो हमने कार ले लिया। आप बताना बाकी, हाँ भाई कार कौन सी है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये देखकर, और ये टॉप मॉडल है, जोन सी कोई सी भी कार है, इतना ध्यान रखना आप। भाई तो टॉप मॉडल जापानी गाड़ी ले ली, क्या कह रहे हो चला लूंगा 2-3 महीने, ऐसी शौक है को लेने का। मतलब एक रीजन बताया बस क्यों रहा है कि भाई ये गाड़ी ऐसी थी कि ये खड़ी हुई थी, कितने साल से खड़ी हुई थी? 3 साल से। 3 साल से ऐसी खड़ी हुई थी बस। जब इसकी लास्ट सर्विस हुई थी तो 45,000 को हुई थी, और अब ये 46 चली हुई है। 3 साल पहले हुई थी, 3 साल पहले। और ये है 2008 मॉडल जी। 2008 के बाद अब तक ये कार सिर्फ और सिर्फ 46,000 किलोमीटर चली है, टोटल इन टोटल 46,000 किलोमीटर। भाई मतलब ऐसी डील्स जो है ना सिर्फ हमें नहीं मिलती, हमें भाई को ही मिलती है बस। इन्होंने ली, हमने ली, एक ही बात है। इसका मीटर अब ऐसे 200 पे टच करा देंगे हम, उड़ा दो इसके वाल उड़ा दो, हेड गैस की उड़ा दो इसकी। नहीं नहीं, मैंने भाई आपसे कहा था हम किसी जर्मन कार की तरफ जरूर जाएंगे, रोज का बड़ा लगता था इसमें साहब की गाड़ी उठाई है। भाई ये हमारी अनदर फैमिली कार, टायरों की ट्रेल देख रहे हो तुम, नहीं है एकदम। ऑब्वियसली आज सर्विस करवाई है इसी पूरी कार की, मतलब जितने भी छोटे मोटे काम थे ना सारे करवाई दिए। होंडा के जापानी इंजन से उतरते के साथ ही मारुति के जैसे खड़बड़ वाले इंजन में बैठते हो ना, रोड नॉइस ये वो सब ऐसे बढ़ती है जिसकी कोई हद नहीं भाई, खड़खड़ 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 मोड़ते के साथ ही। और बाकी वैगनार के अंदर तो ऑब्वियसली रोड नॉइस और रोडों की आवाज़ें तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलती हैं। जौन सी भी गाड़ी देखो, मैंने आपको बता तो दिया। खैर भाई इस फ्रेम बैकग्राउंड को देखकर आप समझ गए मैं कहाँ हूँ, हमारे गुरुवीर जी की दुकान पे। हम इधर उधर नहीं जाते कहीं, गाड़ी बहुत गंदी है, धुलवानी भी है साथ में। तो भाई इसके अंदर अब लगा देते हैं प्रोजेक्टर, उसी के निकाल के इधर लग रही है भाई, हमारे बम्पर खुलेगा। छोटी सी लाइट चेंज करते के साथ ही देखो रोशनी होगी पूरी कार में। जापानी कार की सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे ना वेलवेट लग रहा है, कॉर्नर है ना, मतलब जो भी बंदा साइड में बैठ रहा है स्वाद आ जाता है उसको पूरा। ये देखो सामान वामान सब कुछ रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए, शीशे देख रहे हो टार्जन टूर्जन वाले, बढ़िया लग रही है। अब बोलोगे तो इसके ऊपर हम बीच बीच में कुछ वीडियोस लाएंगे, मन करेगा तो कमेंट डाउन बिलो बधाई दे देना भाई को, चला लोगे इसको 3-4 साल देखते हैं। तब तक हम इसके अंदर जरा प्रोजेक्टर अपग्रेड कराने, क्योंकि मुझे इसे जरा लेके जाना है। ये इसके अंदर पहले लगे हुए थे LEDs नाइट आई की, ऑब्वियसली विद लूमैक्स के फॉग लैम्प, जिनके अंदर नज़र कुछ आ नहीं रहा था ढंग से, मज़ा नहीं आया। मतलब एक्चुअली बताऊँ तो हेलोजन है और प्रोजेक्टर है, दिस इज़ हेलोजन। हेलोजन के अंदर एक रिफ्लेक्टर होता है और उसे आप LED या बल्ब के ऊपर चला सकते हो। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट आप प्रोजेक्टर होता है भाई, इधर आप देख सकते हो ये हमारा ऑब्वियसली क्रिस्टल आई का है, इधर देख सकते हो भैया आप क्लियरली कैसे है ये। अब इसे इसके अंदर लगाते हैं और फिर मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा दूंगा कैसा लगेगा। हाँ जी बढ़िया हो जाएगी, अब तो ठीक है, अब सही सामान ले आया हूँ ना मैं इसके लिए। इसके अंदर LED फॉग लैंप लगा होता, हमने चेंज करके फॉग लैंप में प्रोजेक्टर लगा दिए IPH के, और IPH की ही इसके अंदर HID लगाई है, बैलेंस लगाया है। डिपर को मारने के लिए छोड़ रखी है हमने। अच्छा। ठीक है, ये अंदर जगह स्विच पे। अच्छा मेन स्विच पे। तो ये वायरिंग आपने खुद ही बनाई गंगाराम जी? खुद ही बनाई, बढ़िया बनाई है भैया ने वायरिंग ना, इसमें अभी हमने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बस इनकी हाथ की ये जो क्राफ्टमैनशिप बने इनकी जरूरत पड़ी थी। बैलेंस से बांध दी पूरा प्रॉपर तरीके से, ये हमारा बैलेंस यहाँ बंद गया है, एक वहाँ बांध देंगे हम, दोनों बंद जाएंगे, ये यहाँ लग गया, ये हमारे बैलेंस की वायरिंग, ये जाती हुई इन्होंने कपलर जोड़ा अलग से, ये तार पे टाई बेल्ट बंधेगी, ये तार इधर आएगा यहाँ पर, ठीक है, रिले यहाँ इंस्टॉल होगा, रिले यहाँ लगेगा। वैसे तो ये बम्पर पूरा खुल के ही होता है ना भैया? हाँ मैंने करवाया था एक जमाने में, तब यहाँ भी ना पेंच मार दिया था उसने। वैसे हाँ अगर आप ऐसी किसी चीज से बचना चाह रहे हो तो हमारे स्टोर पर आपको बम्पर के क्लिप्स मिल जाएंगे, वो क्लिप्स आप ले सकते हैं। अगर आपका बम्पर इनके आउट हो जाता है तो उस क्लिप की हेल्प से आप कभी भी अपने बम्पर को क्विक रिलीज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ऐसे कभी भी पेच लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं आपको आगे आने वाले किसी न किसी फीचर वीडियो के अंदर जरूर दिखा दूंगा, जब हम इस कार के ऊपर पूरी डेंटिंग कराएंगे ना, ये डेंट वेंट निकलवाएंगे, तब वो ये बम्पर ना ऑब्वियसली यहाँ से फटके खराब होएगा, उसको वापस रिपेयर करेंगे, उसको दोबारा 0-0 सेट करेंगे इसके अगले और पिछले बम्पर को, इसमें पेच नहीं लगा होता तो इसे हम उतार सकते थे और तरीके से इस पर काम कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत लिमिटेशन है इस काम के लिए। भाई आप देखो अब और पहले और अब के अंदर ना भाई जमीन आसमान का फर्क होगा, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर लगे हैं, कोई ये उठाई गिराएगा चलता फिरता काम नहीं कराया, अभी हमने बढ़िया करके काम कराया। अब ये हेडलाइट है, इसमें वायलेट लैंप है, पहले LED जो थे वायलेट लैंप से जुड़े हुए थे, मतलब
एक ही ऑन कर दो तो पायलट लैंप पे एलईडी ऑन हो जाते थे और मेन लाइट पे मेन लाइट जल जाती थी। अब मैंने ऑब्वियसली नहीं चाहता था कि लोड देना इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर, तो इस रीजन से मैंने करा क्या कि जो पायलट लैंप पे उसके एलईडी के कनेक्शन हटवा कर मेन हेडलैम्प हेडलैम्प पर छोड़ दिए। जो पूरा कनेक्शन है वो बैटरी से प्रोजेक्टरों का अलग सेपरेट लेकर मैं यहाँ पर एक स्विच लगवाता हूँ। इसका के लिए अलग से 4-पिन रिले लगाई है, ये रही जो इस सारी चीज़ों को मैनेज करेगी, बैटरी से आते हुए कनेक्शन और इसकी हाई बीम लो बीम और साथ ही साथ फंक्शनैलिटी ऑन और ऑफ होने की सारी। तो भैया ने कर दिया काम, मतलब ऐसे ऐसे बचवा दिया आज थोड़े से दोबारा से। ये आ गया भाई हमारा स्विच टिटोनी का, ये रहे इसके कुछ थिम्बल, यहाँ तक आएगी वायरिंग, यहीं पर लगाएंगे हम इसको, करते हैं इसकी कटिंग कुटिंग, फटाफट लगाते हैं स्विच, फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिस्पॉन्स। एलईडी का सफर यहीं तक था, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनती है, दो रेनबो यहाँ बनते हैं और सामने देखो कति रौनक रौनक सी हो रही है, नीचे की लाइटें जल रही हैं, ये सीधा वो सीधा वहाँ से यहाँ तक लकीर, दो रेनबो और इधर ही है। इसका वायरिंग डायग्राम भी भैया ने बिल्कुल अलग करा है, ये देखो हेडलाइट अलग है, ठीक है, ये हेडलाइट का अलग सिस्टम है, इसको ऑफ भी कर दिया, यहाँ पे एक अलग स्विच है बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल अलग सेपरेट एकदम, ऑन करना ऑन रखो, ऑफ रखना ऑफ रखो, सबसे बढ़िया जुगाड़। ये रही भाई इधर लाइट देख सकते हो, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लाइटें अभी जल नहीं रही है, पहले मैं ऑन करता हूँ अपनी कार के छोटे वाले पायलट लैंप, ये इसकी एलईडी हेड लैंप है विद डिब्बर, इसकी वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, ऊपर आ रही होगी जाकर देख सकते हो। इसको करते बंद, बिल्कुल बंद, ऑन करेंगे स्विच को, तो ये है जो लाइट अब इस रोड पर आपको दिखेगी, इसका बिफोर और आफ्टर रिजल्ट आप खुद बता देना। देखो हमारे सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप ही जल रहे हैं। हाँ मेरे कुछ भाई जो हैं जो बहुत सालों से नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं नो डाउट कहूँगा भाई यूज़ करते रहो, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार पैसा लगाओ, मौज लो, उसके बाद कोई टेंशन दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ग्लेयर बिल्कुल भी नहीं है इसमें कहीं आप बोलो। इसके लैंप जो हैं इनका रेनबो यहाँ बन रहा है, अब इन्हें खरीदना चाहते हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, खरीद सकते हो आप हमारे स्टोर से। देखो सामने का ये है इसका प्रकाश, हाई बीम लो बीम, और इसमें मैंने हाई बीम के साथ ही जो एलईडी है ना वो भी हमारी ऑन होगी वो लगवा रखा है, ऑब्वियसली ये डिपर के साथ है, तो जब हाई बीम ऑन करूंगा तो इसके डिपर भी ऑन होंगे, साथ ही में जो नीचे वाले लैंप है उनका हाई बीम ऑन हो जाएगा, तो ये ऊपर तक थ्रो मारेगा, देख सकते हो भाई अब लाइटिंग होगी जहर एकदम जबरदस्त, मजा आ जाएगा अब हमें जाने में। गाड़ी हो रही बहुत गंदी, धुलवानी है, फटाफट धुलवाते हैं।